गुड मॉर्निंग, मैं मंजू, मैं हूँ क्लास सिक्स का हिंदी ग्रामर पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी का चैप्टर है 13 और चैप्टर का नाम है अव्यय। अव्यय क्या है उसके बारे में पढ़ाएंगे। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द चार भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के विषय में आपको अवगत करा जा चुका है। विकारी शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार अर्थात परिवर्तन आ जाता है, किंतु अविकारी शब्दों में लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। बाकी में अव्यय में कोई काट छाट नहीं होती है, वे ज्यों के त्यों बने रहते हैं। अतः इस प्रकार कहा जाता है जो शब्द हर परिस्थिति में एक समान रहते हैं तथा जिनका रूप कभी नहीं बदलता उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, अधिक, के साथ, परंतु, यद्यपि, अरे। क्रिया विशेषण अव्यय के भेद हैं। अव्यय के निम्नलिखित भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण। जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं तथा उसके बारे में जानकारी देते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के निम्नलिखित भेद हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो अविकारी शब्द क्रिया के होने के स्थान की जानकारी देते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वहाँ बहुत गर्मी है, इन वाक्यों में रंगीन शब्द वहाँ, गिधर गिधर, पास ही, ऊपर, क्रिया के होने का स्थान का बोध करा रहे हैं। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के होने का समय का बोध हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अंकित अभी अभी आया है। तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के करने या होने की विधि का ज्ञान होता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे शोभा झटपट काम करती है। फोर है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो अविकारी शब्द क्रिया की मात्रा का या परिमाण बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे गणित में केशव को अधिक अंक मिले। क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, जबकि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों की तरफ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे राजू सबसे तेज लड़का है, ये विशेषण। गिलास में थोड़ा पानी है, विशेषण। घोड़ा तेज दौड़ता है, क्रिया विशेषण। थोड़ा खाओ, क्रिया विशेषण। होमवर्क है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा।